देखिए ये जो एरिया है वो अगरतला जो हमारी स्टेट कैपिटल है त्रिपुरा का, वहाँ से 5.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। यहाँ नसीबपुर यार्ड होगा जहाँ की इंटरचेंज पॉइंट हो है, ये बेसिकली बांग्लादेश का जो अगरतला अखौरा वाली लाइन है उसका, और निशितपुर यार्ड को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि यहाँ पैसेंजर ट्रैफिक और रोड ट्रैफिक दोनों का होगा। देखिए निशितपुर यार्ड के आने और अगला जो स्टेशन है वहाँ जाना है अखौरा तक जाने के लिए, ये जो दो पिलर्स है इसी दो पिलर्स में रेलवे के लैंड एक्विजिशन किए गए हैं। रेलवे के पार्ट जो इंडिया में लैंड एक्वायर किया गया है वो 72 एकड़ का है, वो देख रहे हैं आप उसमें, और बीच सेंटर लाइन में जो रेड रंग का फ्लैग है यहाँ से लेकर के आप देखिए दूर तक रेड फ्लैग दिख रहा है आपको, ये रेड फ्लैग है वो सेंटर लाइन होगा हमारे ट्रैक का, और ये हमारा रेल का लैंड होगा। आगे निशितपुर यार्ड है जहाँ पे कि पूरी टर्मिनल हब बनेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हब बनेगा, प्लस जो इमिग्रेशन और वीसा का जो भी फैसिलिटी है वो उसको डेवलप किया जाएगा। ये लाइन जो 12 किलोमीटर की लाइन है ये इम्पॉर्टेंट लिंक है ट्रांस एशिया रेलवे लाइन की, क्योंकि इस 12 किलोमीटर के जुड़ने के बाद पूरा का पूरा बांग्लादेश हमारी कनेक्टिविटी के साथ आ जाएगा, और हमारा नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है वहाँ का ट्रेड कॉमर्स पूरे ट्रांस एशिया में किसी भी एरिया में जा सकता है इस कमोडिटी इस लिंक के बाद, क्योंकि ये लिंक जो है फ्रॉम अगरतला टू अखौरा ये 12 किलोमीटर है, और ये लाइन फिर फर्दर आगे जो जाएगी वो ढाका होते हुए कलकत्ता को जाएगी, जिसका कि डिस्टेंस 499 किलोमीटर के आसपास है, जबकि अभी जो जा रही है लाइन अगरतला से होकर के अगरतला लुमडिंग गुवाहाटी NJP होते हुए जो कलकत्ता जा रही है वो 1550 किलोमीटर है। तो ये किलोमीटर 1000 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसको मिलेगा। दूसरा कि इस एरिया की जो ट्रैफिक है जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको वर्ल्ड मार्केट का पोर्ट मिल रहा है चिटगांव का, क्योंकि ये लाइन जो है अखौरा के बाद चिटगांव तक जुड़ी हुई है, तो हम जो भी ट्रैफिक भेजना चाहते हैं गुड्स और जो फ्रेट है वो आसानी से चिटगांव पोर्ट मिल जाएगा, और चिटगांव पोर्ट के बाद उसके लिए पूरा जो वर्ल्ड मार्केट है वो सस्ते दर पर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसका यूनिट कॉस्ट सबसे सस्ता होता है। तो इस तरह से हमें एक्सपोर्ट के लिए मेजर मार्केट मिल जाएगा, जो इस एरिया में त्रिपुरा एरिया में जो मेन इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही है और है इस एरिया में रबर के बहुत सारे खेती हो रही है कि रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो रही है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट की जो टी है और त्रिपुरा की टीज है जो लोकल आर्टिफैक्ट्स है, संतरे के लिए त्रिपुरा फेमस है, तो वो उसको वर्ल्ड मार्केट मिल जाएगा चिटगांव के थ्रू। तो इससे इस एरिया का पूरा सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज आएगा। ये फ्यूचरिस्टिक लाइन है पूरे इसके लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं लैंड अक्वायर की जा चुकी है, साथ ही साथ इस पर अब हम कह सकते हैं सिविल वर्क शुरू होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके के लिए ये एक बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है, और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्किंग की गई है, किस तरीके से लैंड पे मार्किंग की गई है। साथ ही साथ इस जगह की अगर हम बात करें तो निश्चिंतपुर है, ये एरिया निश्चिंतपुर का है, उधर की बात करें तो मंटोली है। तो ये दोनों इलाकों को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जब ये लाइन शुरू हो जाएगी तो किस तरीके से यहाँ पर विकास होगा, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि इंडिया की जो लाइन होगी, इंडिया की लाइन का जो आखिरी हिस्सा होगा तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास, वो एलिवेटेड होगा, यानी वायाडक्ट के जरिए उस पर ट्रेन चलेगी। और इधर जो है 78 एकड़ के आसपास ज़मीन को अक्वायर किया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, उनको लग रहा है, कुतूहल है, उनको लग रहा है कि अरे क्या हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ जल्द ही ये सबसे बड़ी बात यह है, टारगेट रख लिया गया है 2020 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो पांचवी लाइन है वो 2020 तक शुरू हो जाएगी।